आज जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है असाई। अब वो आधा ह्यूमन और आधा आप कह सकते हो डीमन जैसा दिखता है, क्योंकि उसका आधा हाथ पूरा पत्थर का है, जिसकी वजह से गांव के बच्चे उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, पर अचानक से उसके अंदर अर्थ गॉड की पावर आ जाती है। उसके बाद वो उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा हमला कर देता है। गांव वाले उसे एक शराप मान के उसे एक पत्थर से बांध देते हैं। अब बारिश हो तूफान हो, असाई को भूख लगने लगती है, तो असाई अपने आसपास जो भी पत्थर या कचरा पड़ा है वो खाने लग जाता है। पर इससे असाई का पेट तो नहीं भरता, पर एटलीस्ट वो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके पास आई होती है, उसी के सेम उम्र की होती है, और वो असाई के लिए खाना नहीं होती, और असाई काफ़ी दिनों के बाद चावल का कुछ खाना खा रहा, मतलब चावल खा रहा है ऐसे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब तो कावरी असाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती रहती थी। अब कावरी बहुत ही अच्छी लड़की है, जो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असाई कैसा दिखता है क्या है। अब कावरी भी धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी और असाई भी बड़ा हो चुका था, पर असाई आज भी उस पत्थर से और उस चेन से बंधा हुआ है। दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, मज़ा मस्ती करते थे, पर एक टाइम ऐसा था कि गाँव में अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से गाँव वालों को ये लगता है कि असाई उनके लिए एक शराप है, इसलिए वो उस लड़की को भी मारने की बातें कर रहे होते हैं। और असाई को इतना ज़्यादा पीटते हैं वो लोग, पर वो लड़की बार बार असाई के सामने आके बोलती कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, पर असाई उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका और गांव वालों ने उस लड़की को मार दिया। अब असाई ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और असाई अपने अंदर की जो एक्स्ट्रा पावर थी उसे रिलीज़ कर देता है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो पूरे गांव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बहुत बड़े डीमन में बदल जाता है। इसलिए उस गांव को बर्बाद होना पड़ता है और सभी लोग वहां पे मर जाते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि भाई कोई किसी से प्यार करता है और आप उसको मार देते हो तो कौन क्या ही करेगा। अब असाई बहुत ज़्यादा दुखी था, पर हम लोग क्या कर सकते यार, स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए असाई वहां पे बहुत ज़्यादा रोता है कावरी के लिए, पर कुछ भी नहीं होता। अब हम लोग समझ सकते हैं कि असल में होता क्या है। अब कुछ दिनों के बाद असाई का पुनर्जन्म होता है एक नए लड़के के रूप में, मतलब उसका जो पुराना जन्म था वो ख़त्म हो गया। अब असाई एक नए वर्ल्ड में यानी कि फ्यूचर के वर्ल्ड में जन्म ले चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब वो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। इस वर्ल्ड के अंदर भी असाई बिल्कुल अकेला है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर भी असाई के मॉम एंड डैड नहीं है, इसलिए असाई के वो सारे घर के काम, खाना पोछा बर्तन, वो असाई को खुद ही करने पड़ते हैं। और असाई अब धीरे धीरे अपना खाना बना ही रहा होता है और एक बहुत ही बड़ा सा सूप बना लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसने कुछ भी नहीं पहना होता है, और अचानक से ही वो एक छोटी सी बच्ची में बदल जाती है। तो हमें जानने को मिलता है छोटी सी बच्ची का नाम है डोरा, और वो खाने का कटोरा पकड़ लेती है और पूरा खाना खा जाती है। असाई ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर तुम हो क्या। असाई उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बाथरूम में फ्लश भी कर देता है, पर वो लड़की तो बार बार असाई के सामने आ जाती है और असाई के आगे पीछे घूमती रहती है और बोलती है तुम एक सेमिनार हो, मुझे तुम्हारे लिए आना है। पर असाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से फटाफट भाग जाता है, क्योंकि उसको स्कूल निकलना था, स्कूल कॉलेज जो भी आप बोलो, भाई अभी तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया। तो असाई उस लड़की से बहुत ज़्यादा पीछा छुड़ाने की ट्राई करता है, पर असाई के पीछे वो लड़की आ जाती है और भाई वो तो स्कूल के अंदर भी आ जाती है, कांच की गिरती, भाई ये सीन बहुत ज़्यादा फनी था। तो असाई एक पर्दा लगा देता है और वो उसके टेबल के अंदर से निकल जाती है, जिसकी वजह से असाई इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है बस बंद करो मुझे नहीं करना। इतनी ये सारी बातें सुन के बाकी सबको लगता है कि वो टीचर को कह रहा है, तो टीचर भी उसे थोड़ा सा डांट के बोलते चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ। अब डोरा तो टीचर के सर के ऊपर आसपास घूमने लग जाती है। अब असाई भी सोचने लग जाता है कि आखिर मैं इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या वजह है इसकी। पर वो तो टीचर के सर के ऊपर सो रही थी। अब हमें ये भी जानने को मिलता है कि असाई के अलावा डोरा किसी और को दिखती नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी क्लास की एक लड़की उसे एक लव लेटर देने आई होती है, क्योंकि वो असाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। भाई आज तक मुझे तो किसी लड़की ने प्रेम लेटर नहीं दिया, पर असाई डोरा को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे बोलता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा लेटर, और वहाँ से वो लड़की भागते के चली जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि असाई ने उसे ये सब बोला है। अब भाई इस लड़की के लिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब असाई समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो करे क्या, इसलिए डोरा एक पेड़ के नीचे सो रही होती। तभी असाई वहाँ पे
एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर खाने पीने की और चॉकलेट की चीज़ें होती है, और असाई अगरबत्ती लेके बोलता है प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, तो वो डोरा एकदम से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वापस बड़ी हो जाती है, और वो बोलती है असाई को कि तुम मेरे साथ चलो। तो असाई का वो जैसे ही हाथ पकड़ती है तो असाई के अंदर भी उसकी कुछ एनर्जी फ्लो होने लगती है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जैसा असाई इस दुनिया को देखता है वैसी ये दुनिया है नहीं, और वो बताती है कि मेरे अलावा भी तुम्हें 12 गॉड की पावर्स मिली है, यानी कि तुम 12 लोगों को समन कर सकते हो, ऐसा कुछ हम लोग आगे समझ लेंगे। तो वो उसको अपने साथ घुमाती है और बोलती है कि ये देखो जिस तरीके से तुम इस दुनिया को मानते हो वो वैसी नहीं है, इस दुनिया के अंदर भी मैजिक की पावर है, यानी कि जो मैजिक कर सकता है वो डीमन मतलब किसी को भी समन कर सकता है, चाहे डीमन हो या अब तुम चाहो तो इस शक्तियों का उपयोग सही तरीके से कर सकते हो, या तो दुनिया को बचा लो या दुनिया को नष्ट कर लो। और वो अपनी पावर का कुछ नमूना भी दिखाती है जिससे कि वो एक ट्री को ही खोल देती है, मतलब ट्री को उखाड़ फेंकती है, और वो असाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब वो झूठ मूठ में बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ झूठ बोला था, मुझे तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। इसलिए असाई भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम क्या ही कर लोगी। इसलिए असाई को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, और डोरा उसके पीठ के पीछे चिपकने लग जाती है, जिसके बाद डोरा अपने मैजिकल विंग्स निकालती है और असाई को हवा में उड़ाने लग जाती है। अब असाई को लेकर वो एकदम से उड़ने लग जाती है। अब डोरा ने अपनी पावर कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली थी, इसलिए वो बीच बीच में सोने लग जाती है, और वो इस चक्कर में वो बार बार गिरते 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 अपने घर पहुँच ही जाते हैं। और असाई और डोरा को बहुत ज़्यादा चोटें तो आई होती है, इसलिए वो अपने शरीर पर बैंडेज लगा रहती है। तभी लाइट चली जाती है और डोरा वहाँ पर कुछ मैजिकल स्किल करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। जैसे ही वो असाई की बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो वो बॉडी का पार्ट हील होने लग जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स या जो भी कह सकते हो वो असाई को हील कर रहे थे। अब असाई को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तभी डोरा उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगती है कि वो पास्ट में क्या करती थी। तो उनके वर्ल्ड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था और काफ़ी सारे आपस में फाइट चल रही थी। डोरा ये सब कहते कहते वहाँ पे सोने लग जाती है। अब डोरा को नींद आ चुकी थी, इसलिए असाई सोचता है उसे उठा लेना चाहिए, पर असाई सोचता है कि नहीं, अगर मैं इसे उठाऊंगा तो ये मेरे को ही परेशान करेगी और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगी, इससे अच्छा तो इसे सो नहीं देते। इसलिए असाई उसे आराम से कंबल चादर उड़ा के सुला देता है। जब तक ये सो रही है आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बीच बीच में थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए यार। अब असाई सोचता है कि मेरे पास ऐसी कौन सी है। तभी हम लोग एक लड़के मतलब एक पौधे को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा हो चुका था। अब असाई क्रिकेट ग्राउंड में आया होता है जहाँ पे डोरा बिकनी सूट पहन के बैठी होती है। अब असाई बोलता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। तो डोरा बोलती है मुझे वैसे भी तुम्हारे अलावा कोई देख ही नहीं सकता, तो इसकी क्या टेंशन है। तो वो असाई को बोलती है तुम मेरे शरीर पे सनस्क्रीन लगा दो। अब असाई ये सारी बातें सुन के तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, इसलिए डोरा वहाँ पे सो रही होती। तभी वो ट्री मॉन्स्टर डोरा के पास आता है और डोरा को खा लेता है। अब असाई को तो पता ही नहीं चल रहा होता है क्योंकि वो एक वीडियो गेम और हेडफोन लगाने की वजह से। तभी डोरा उसके ऊपर सनस्क्रीन फेंकती है। जैसे ही असाई पीछे दिखता है तो उसे वही डीमन मॉन्स्टर दिखता है, यानी कि प्लांट मॉन्स्टर, और वो डोरा के कपड़े असाई के मुंह पे मार के वहाँ से भाग जाता है। अब असाई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कह रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि डोरा तो यहाँ से गायब है और वो उस ट्री मॉन्स्टर के पीछे भागने लगता है। अब ट्री मॉन्स्टर उसके आंखों के ऊपर पत्तियाँ फेंक के वहाँ से गायब हो जाता है और असाई दीवार से जाकर टकरा जाता है। और असाई अचानक से भीड़ भाड़ के इलाके में आ जाता है जहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल चल रहा था। तभी हम लोग डोरा का सीन देखते हैं। डोरा यहाँ पे असाई को कोई भी सिग्नल नहीं भेज पा रही थी क्योंकि इसके लिए उसे अपने समनर के आसपास से होना ज़रूरी है। अब असाई वहाँ पे उसको ढूंढ ही रहा होता है पर वो वहाँ पे मिल ही नहीं रही है। अब इसलिए असाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं उसको कहाँ ढूंढूँ। तभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा दुखी का माहौल है, भाई ऐसा मेरे साथ ना हो। तभी हम लोग देखते हैं बॉडी बिल्डर जैसा बंदा वहाँ पे उसके सामने असाई के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की, तुमने इतनी जरूरत कैसे की। तभी वो अपनी बहन के साथ आता है। असाई तभी बोलता है मेरे पास इन फालतू बात मतलब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बातें सुन के तो वो बॉडी बिल्डर बंदा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। और तभी हमने एक चश्मे वाले बंदे को देखता है, वो बोलता है तुम गलत राह पे जा रहे हो, ये सही रास्ता नहीं है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये अपनी कोई चीज़ें बेचने के लिए ऐसा कह रहा है। तभी असाई उसके सर के ऊपर पैर रख के वहाँ से चला जाता है और एक प्लांट मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है उस प्लांट मॉन्स्टर की कॉस्ट्यूम में एक लड़की है। तो असाई सोचता है आखिर वो प्लांट मॉन्स्टर गया कहाँ। तभी हम लोग देखते हैं उसे एक साउंड आता है डोरा का, यानी कि कहीं पे म्यूजिक बज रहा होता है, वो उसके कानों में सुनाई दे रहा था।
अब जैसे ही वो उस कॉन्सेप्ट के पास पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं कि उसे अबी डोरा की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तभी उसे कुछ महसूस तो होता है कि हाँ पीछे है। तभी असाई बोलता है, मैं तुम्हारी सारी फालतू बातें भी सुन लूँगा, आखिर तुम हो कहाँ, जल्दी से मेरे सामने आओ। जैसे ही डोरा ये सारी बातें सुनती है तो डोरा एकदम से जोश में आ जाती है और उस प्लांट मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। पर उसने कुछ भी नहीं पहना होता, इसलिए असाई के नाक से खून आने लगता है और असाई दूसरे साइड देखने लग जाता है। अब उस प्लांट मॉन्स्टर और डोरा में फाइट होने लग जाती है, दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देख सकते हैं कि असाई को कुछ फील होने लगता है। अब वो वाला फील नहीं, ये वाला फील है, अलग है। तो हम लोग समझ सकते हैं असाई उसे अपना जैकेट उतार के दे देता है और हम लोग देखते हैं कि उस प्लांट मॉन्स्टर के साथ में एक लड़की भी होती है। और वो प्लांट मॉन्स्टर बोलता है, जैसे ही असाई उसको पकड़ने के लिए जाता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, मतलब वो लड़की पता नहीं कैसे गायब हो जाती है। असाई बोलता है, ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और वो तो डोरा को खा भी सकता है, यानी कि किसी को भी। और वो लड़की इतनी ज़्यादा दूर थी कि वो अपने प्लांट मॉन्स्टर को आसानी से कंट्रोल कर पा रही थी। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, तुम्हें असाई को चोट नहीं पहुंचानी है, बस तुम्हें पता करना है कि असाई किन कौन कौन सा मैजिक कर सकता है, यानी कि उसके पास कौन कौन सी स्केल है। अब स्केल का अलग मतलब होता है, इसका मतलब अलग होता है। तभी वो अगले दिन असाई के कॉलेज में आ जाती है और असाई तो बढ़िया मजे से सो रहा था और असाई के टेबल पे लैडर रख के चली जाती है। अब सारे लड़के असाई को ही देखने लग जाते हैं, बोलते ओह भाई भाई तेरी तो नॉटरी लग गई। तभी वो लड़के लैटर पढ़ गए, बोलते हैं उसमें लैटर में लिखा होता है कि तुम्हें जंगल में आके आज मुझसे मिलना है। तो सारे लड़के एकदम से कूल हो जाते हैं, ओ भाई तेरी तो चांदी चांदी। अब असाई जंगल में उस लड़की से मिलने के लिए चला तो जाता है। धीरे धीरे करते हुए कॉलेज के सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। अब असाई के सामने वो लड़का भी आ जाता है, बॉडी बिल्डिंग वाला, जिसकी बहन को इसने रिजेक्ट किया था। भाई मेरे को तो आज तक ऐसा मौका मिले नहीं कि मैं किसी को रिजेक्ट करूँ, मेरे को तो पहले ऑफर आएगा मैं उसे हाँ बोल दूंगा, मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो हम लोग देखते कि असाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। बाकी सब लड़कों को पेड़ों की जो बेल्स होती है वहाँ पे वो लोग अड़ मतलब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते और असाई अकेला आगे चल रहा होता है। तभी असाई वहाँ पे एक कैट को दिखता है जिसको कुछ दिन पहले भी चोट लगी थी और उसको असाई ने हील किया था, इसलिए असाई बोलता है कि तुम संभल के चला करो, तुम्हें एक बार फिर से चोट लग सकती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि असाई जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप लोग भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी एक छोटा सा प्यारा सा जानवर हूँ, क्यूट सा। ऐसा ही देखता है कि आगे हमारे लिए एक रास्ता बन चुका है, पेड़ एकदम से साइड में हो चुका है और वो लड़की वहाँ पे बैठी होती है और वो लड़की बोलती है, ऐसा ही तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, ऐसा करो कि तुम मुझे डोरा यानी कि अपना डोरा मुझे दे दो, मतलब ये लड़की मुझे दे दो। ऐसा ही मना कर देता है। तभी वो उसके ऊपर एक प्लांट मतलब एक फूल फेंक के मारते हैं जिससे कि असाई का खून निकलने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। अब डोरा यही सोच रही थी कि मैं कौन सा वेपन यूज़ करूँ। वो वेपन सेलेक्ट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा वेपन ले। तभी हम लोग समझ सकते हैं ऐसा ही होता है, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा निकम्मी ये है, जो भी आप कह सकते हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा निकम्मी डीमन है जिसके पास कोई भी ढंग का वेपन ही नहीं है। असाई ये कहते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है क्योंकि उस लड़की के बहुत ही ज़्यादा तेज अटैक थे। तभी वो डीमन बोलता है कि हमें इसे फटाफट ख़त्म कर देना चाहिए, पर वो लड़की बोलती नहीं, दादाजी ने मना किया है कि असाई को कोई भी चोट ना पहुँचाए। तभी वो वहाँ पे एक प्लांट मॉन्स्टर को समन कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। डोरा अभी भी यही सोच रही थी कि उसे कौन सा वेपन निकालना चाहिए। डोरा एकदम से नीचे गिर जाती है। अब असाई उसे बचाने के लिए जाता है एकदम से आगे क्योंकि वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। जैसे ही असाई उसके पास पहुँचता है तो दोनों ही उस डीमन मॉन्स्टर के हाथ के नीचे दब जाते हैं। अब उस लड़की को ये लगता है कि असाई और डोरा एक साथ मारे गए हैं, पर हम लोग देखते हैं कि असाई और डोरा उस डीमन के हाथ को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं और डोरा उसी समय एक वेपन निकाल लेती है जो कि नाइफ की तरह दिख रहा होता, किचन नाइफ की तरह। तो हम लोग समझ सकते हैं भाई पर ये ग्लेशियर जैसा क्यों है, M4 ग्लेशियर जल्दी पबजी में वापस आने वाली BGMI में तो आप लोग खरीद सकते हो और आप चाहो तो मुझे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी ऐसा ही एक पंच मारता है जिसकी वजह से उस डीमन मॉन्स्टर का हाथ जम जाता है और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हाथ उसका टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसा ही हवा में उड़ने लग जाता है अपने मैजिकल स्किल की वजह से और उस पेड़ के ऊपर चिपक जाता है और अपने मैजिकल स्किल से उस डीमन मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे अटैक करता रहता है, यानी कि उसको चाकू से काटता रहता है, नाइफ से।
और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर असाई के पास कितनी ज़्यादा पावर है कि वो एक डीमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर वो लड़की ने तो उसका 30% ही यूज किया था, तभी नोरा उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी असाई उसे रोक देता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, इसने अभी तक अपने पावर का सिर्फ 30% यूज किया, एक बार पीछे देखो। जैसे ही डोरा पीछे देखती है तो उसके पीछे चार चार डीमन मॉन्स्टर होते हैं। इसलिए डोरा एकदम से अपना बिहेवियर बदल देती है, बोलती हमें तो एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तभी ऐसा ही बोलता है तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठ के कुछ बातें भी करेंगे। तभी उस प्लांट मॉन्स्टर बोलता है नहीं, हम लोग तुम्हारे घर क्यों चलेंगे, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तभी उस लड़की को भूख लगने लग जाती है और वो लोग एक साथ उस असाई के घर चले जाते हैं और वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब उस प्लांट मॉन्स्टर को असाई का बना हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि वो तो रोने ही लग जाता है और बोलता है हमें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा लड़का है। और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया था। जैसे वो कुछ बोलने वाला था वो लड़की उसके मुँह के अंदर चिकन का पीस ठूस देती है, वो वहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाती और असाई और वो लड़की दोनों एक साथ बाहर आ जाते थे। जैसे ही असाई उस लड़की को मिस्टीरियस लड़की पे अपनी पिकअप लाइन यूज़ करता है पर उस लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमें पता चलता है इसलिए मिस्टीरियस लड़की का नाम हाना है। अब हाना उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर और डोरा के ऊपर दोनों के ऊपर नज़र रखने वाली हूँ तो संभल के रहना, और वो उसे एक रोज़ दे देती है। अब भाई बार बार ये ब्लैक रोज़ क्यों देती है? अब वो दोनों ही उस रोज़ को लेकर कुछ गलत मतलब निकाल रही है, पर वहाँ पर तो कुछ भी मतलब नहीं था, बस ये तो नॉर्मल था। अब हम लोग समझ सकते हैं अगले दिन असाई एकदम से अपने स्कूल में बैठा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी विंडो से एक जीरा बाहर आ जाता है जो कि घास फूस खा रहा होता है और उसके पीछे से कुछ रकूनस भी पीछे आ जाते हैं। अब रकून से मुझे डोरीमोन की याद क्यों आ गई पता नहीं, क्योंकि उसे चिराया जाता था यार। और उनके रूम में तो ऑस्ट्रिच भी आ जाते हैं और उनके सामने क्यूट सा बेबी मतलब पांडा भी होता है जो कि गन्ना खा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि गोरिल्ला फुटबॉल यानी कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। भाई ये गोरिल्ला ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, बास्केटबॉल खेल रहा माइकल जॉर्डन जैसे। और हम लोग देखते हैं टीचर उसको सभी को बोलते हैं कि सभी लोग जिम की तरफ जाओ यानी कि स्टेडियम की तरफ जाओ जिससे कि तुम लोगों की जान बच सके। अब डोरा और असाई तो एकदम से बाहर ही घूम रहे होते हैं तो वो लोग यहाँ से वहाँ सब लोग पता कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे इतने सारे जानवर आए कैसे। तभी हम लोगों को पता चलता है कि टीवी पे भी न्यूज़ आ रही है कि एक चिड़ियाघर से सारे जानवर भाग चुके हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक कैट गर्ल और एक किटी के साथ लड़की आई होती है। असाई उसे बचाने के लिए वहाँ पे कूद जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो। तभी उसे वहाँ पे वो कैट देखती है तो वो कैट असाई के ऊपर पंजे मार देती है और असाई बोलता है कि आखिर ये सब चल के रहा है। तभी वो लड़की बताती है कि मैंने इन सारे एनिमल्स को जू से आज़ाद करवाया है यानी कि इन लोगों को मैंने भगवाया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इस लड़की ने इन सबको भगाया। अब एक लड़की समनर तो हो सकती है पर उसकी पूछ कैसे हो सकती है? और ऊपर से ये लोग हाना भी ये सब देख रही होती है अपने प्लांट मॉन्स्टर के साथ और वो बोलती अब हमें इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अटैक यानी कि तबाही मचा रही, नुकसान कर रही है। और वो लोग एक बुलेट अटैक के साथ नीचे आ जाते हैं। भाई बहुत ही शानदार एंट्री थी जहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। अब वो दोनों आपस में उस किटी गर्ल मतलब उस कैट गर्ल के साथ लड़ने लग जाते हैं। उससे पहले वो सारे जानवरों को एक ट्री के साथ बांध देती है जिससे कि कोई भी जानवर को नुकसान ना पहुँचे क्योंकि भाई एनिमल लवर तो हम सभी है। और हाना और उस किटी गर्ल के बीच में फाइट होने लग जाती है। अब डोरा यहाँ पे बोलती है हमें भी बीच में फाइट लेनी चाहिए, तभी वो उसे मना कर देता है कि नहीं हम बीच में कोई भी फाइट नहीं लेंगे। और उन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट चल रही होती है जिससे कि डोरा का खून मतलब सॉरी हाना का खून भी निकलने लग जाता है। पर अब हाना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने अटैक्स की इसके मतलब अटैक्स की पावर और ज़्यादा बढ़ा लेती है पर वो कैट गर्ल भी अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेती है जिसकी वजह से वो हाना का हर मूव पहले ही जान लेती है कि वो कहाँ से कैसे अटैक करने वाली है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली थी। इसलिए अब कैट गर्ल भी अपनी मैजिकल स्किल को और ज़्यादा बढ़ा लेती है और दोनों के बीच में जमकर फाइट होने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कैट गर्ल को वो पकड़ने वाली थी हाना पर वो उसे बचा लेती है मतलब उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है। अब हम लोग समझ सकते हैं भाई दोनों ही डीमंस के पास कितनी ज़्यादा पावर है। वो उसके ऊपर अपनी एक मैजिकल स्किल अटैक करने जाती है जिससे कि वो अपने आप को एक बियर यानी कि एक भालू में बदल देती है। और अब ये भालू को बचने के लिए हाना भी क्या करती है कि अपने एक बहुत ही बड़े ट्री मॉन्स्टर को वहाँ पे समन कर देती है और उस ट्री मॉन्स्टर और उस भालू के बीच में फाइट होने लग जाती है। अब ट्री मॉन्स्टर तो उसके हाथ पैर अब ये सीन ऐसा हो गया था कि दोनों ही कुश्ती कर रहे हैं कबड्डी खेल रहे हैं
अब उस ट्री मॉन्स्टर के तो हाथ उस भालू के पास थे, इसलिए वो अटैक कर ही नहीं पा रहा था और वो भालू उसके ऊपर हैवी भी पड़ रहा था। तभी वो प्लांट मॉन्स्टर के अंदर उसका डीमन घुस जाता है और उसके दो और हाथ निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो उस बियर को बहुत ही ज़्यादा मारने लग जाता है। अब बियर को इतने ज़्यादा पंचेस पड़ने की वजह से धीरे धीरे बियर कमज़ोर पड़ने लग जाता है और बियर अपनी मैजिकल स्किल को खो देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय, मतलब बहुत ज़्यादा टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो टुकड़े नीचे गिरते हैं तो वो बीस्ट फॉर्म में बदल जाते हैं, छोटे छोटे भेड़िए बन जाते हैं और वो उस ट्री के ऊपर काटने लग जाते हैं, मतलब उसे नुकसान पहुँचाने लगते हैं। जैसे ही उस ट्री मॉन्स्टर के ऊपर भी अटैक हो रहा था, वैसे ही सेम अटैक हाना के ऊपर भी हो जाता है, इसलिए हाना उन सभी डीमन मॉन्स्टर को फटाफट अपने ऊपर से हटा के फेंक देती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो कैट है वो भी एक समनर है, क्योंकि जैसे ही उस मतलब जैसे उन भाई मतलब उन लोमड़ियों पे जो भी थे उनके ऊपर जैसा अटैक हुआ, उस कैट के भी ऊपर अटैक हुआ। अब वो धीरे धीरे एक बड़े से सांप में बदल गया और वो उसको ट्री मॉन्स्टर को पकड़ ही लेता है और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जम के फाइट होती है। तभी डोरा और साइची उन दोनों के बीच में कूद जाते हैं और उन दोनों को ही अपनी मैजिकल चेन से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हम लोगों को फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग फाइट आकर कर ही क्यों रहे। वो उन दोनों को ही पकड़ के बोलता है कि हमें फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कैट गर्ल भी वो ठीक है और वो उस कैट को अपने साथ ले जाता है। तभी हाना बोलती है कि हम इस कैट को अपने साथ ले जाएंगे। तभी बोलता है कि ये कैट बहुत ज़्यादा मतलब इसको चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसे नहीं दे सकता, पहले हम लोग इसका इलाज करेंगे। तभी हाना बोलती कि नहीं, फिर ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। और असाई उस कैट के ऊपर पट्टियाँ लपेटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस कैट और असाई के बीच में हल्की फुल्की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो असाई के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब असाई भी उसे अपने घर लेके आ जाता है और डोरा उस ट्री मॉन्स्टर को डरा रही होती कि अगर तुमने फालतू का कोई भी अटैक किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अब हम लोग समझ सकते हैं सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं और असाई भी अपने घर अब उस लड़की को लेकर आ जाता है और हम लोग समझ सकते हैं कि असाई उस कैट को कितना ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। और वो कैट गर्ल बता दी है कि हर कोई समन कर सकता है डीमंस को, मेरा भाई तो एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट था पर वो पता नहीं अचानक से कहाँ ही चला गया, मतलब उसे किसी ने समन कर लिया और वो वहाँ से गायब सा हो गया, उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने इसलिए सारे जानवरों को आज़ाद किया जिससे कि मेरा भाई अगर यहाँ पे हो तो उसे पता चल जाए कि ये मैं हूँ। पर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा ही उसके सर के ऊपर हाथ घुमाने लगता है, आखिर वो भी तो एक कैट है, मतलब एक लड़की है। और हम लोग देखते हैं कि उसे उन सभी को एक क्रो देख रहा होता है जो कि उन लोगों को देख के वहाँ से उड़ जाता है। और हम लोग जैसे ही आसमान में देखते तो हज़ारों क्रो उस लड़के के आसपास मंडरा रहे होते हैं और ये और कोई नहीं, ये उस कैट गर्ल का भाई होता है। अब हम लोग समझ सकते हैं जैसे ही ऐसा ही सुबह उठता है तो उसके घर के बाहर कुछ एलियन जैसे बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें हैना ने बुलाया है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। असाई धीरे धीरे गेट बंद करने लगता है पर वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम्हें हमारे साथ चलना होगा इसी वक्त और अभी। जैसे ही वो लोग प्लेन में बैठ के, अब भाई ये प्लेन से ज़्यादा मुझे कार लग रही थी। अब जैसे ही वो लोग उसके घर पे आते तो घर उसका बहुत ही बड़ा और विशाल होता है, यानी कि ये कोई हवेली जैसा था। अब वो लोग वहाँ पे आते ही उससे एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखते हैं जो कि उसके घर पे लगी होती है। अब बाकी की स्टोरी हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं।